घोषित किया गया एनडीए ने किया, हम केंद्र सरकार शांति परीक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या डिमांड है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत एनटीए जो कि परीक्षा नीट की परीक्षा कराती है, उसने जिस प्रकार से धांधलेबाजी पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है, उनका भविष्य ढक्के में डालने का गड्ढे में डालने का प्रयास किया है, उसको लेकर हम लोगों ने कल राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा सूरत के अंदर गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत कर दी है। आज पूरे देश के भर के प्रत्येक इकाई में प्रत्येक जिले के अंदर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 4 तारीख को जिस प्रकार से हमारे देश का एक महापर्व था, उसका परिणाम आने को था, उस परिणाम आते आते सारी मीडिया का ध्यान उस परिणाम की तरफ था। इसी के अंतर्गत एनटीए जो एजेंसी है उसके माध्यम से नीट का रिजल्ट निकाला गया। उस रिजल्ट के अंदर इतनी धांधलेबाजी की गई जिसमें से कई हजार विद्यार्थी जो मेहनत करके दिन रात पढ़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, उन विद्यार्थियों को उसका लाभ ना मिल पाया। कुछ चुनिंदा लोग जो इनको ठेकेदार बना रखा है, उन ठेकेदारों के माध्यम से ये पेपर लीक जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग और सीबीआई जांच की मांग पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस एजेंसी के ऊपर सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई परीक्षाएं होती हैं, ऐसे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी जो उसके ऊपर लिप्त हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे कई सारी घटनाएं करते रहेंगे और तमाम विद्यार्थियों के साथ ऐसे ही छलावा करते रहेंगे, उनके भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। एनटीए के द्वारा जो नीट यूजी की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर के द्वारा आंदोलन हुआ है। हम देखते हैं पिछले कई वर्षों के इतिहास को, जहाँ की नीट के एग्जाम में 2 से 3 बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 720 नंबर मिलते हैं, वहीं इस वर्ष 67 बच्चों को 720 अंक मिलना और वहीं एक स्थान के 8 से 10 बच्चों को 720 अंक मिलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ये एनटीए पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। क्या डिमांड है? हमारी केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि इस पूरे प्रकरण की एक सीबीआई जांच हो। विद्यार्थी परिषद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एनटीए ने किया, हम केंद्र सरकार शांति परीक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या डिमांड है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत एनटीए जो कि परीक्षा नीट की परीक्षा कराती है, उसने जिस प्रकार से धांधलेबाजी पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है, उनका भविष्य ढक्के में डालने का गड्ढे में डालने का प्रयास किया है, उसको लेकर हम लोगों ने कल राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा सूरत के अंदर गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत कर दी है। आज पूरे देश के भर के प्रत्येक इकाई में प्रत्येक जिले के अंदर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 4 तारीख को जिस प्रकार से हमारे देश का एक महापर्व था, उसका परिणाम आने को था, उस परिणाम आते आते सारी मीडिया का ध्यान उस परिणाम की तरफ था। इसी के अंतर्गत एनटीए जो एजेंसी है उसके माध्यम से नीट का रिजल्ट निकाला गया। उस रिजल्ट के अंदर इतनी धांधलेबाजी की गई जिसमें से कई हजार विद्यार्थी जो मेहनत करके दिन रात पढ़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, उन विद्यार्थियों को उसका लाभ ना मिल पाया। कुछ चुनिंदा लोग जो इनको ठेकेदार बना रखा है, उन ठेकेदारों के माध्यम से ये पेपर लीक जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग और सीबीआई जांच की मांग पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस एजेंसी के ऊपर सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई परीक्षाएं होती हैं, ऐसे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी जो उसके ऊपर लिप्त हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे कई सारी घटनाएं करते रहेंगे और तमाम विद्यार्थियों के साथ ऐसे ही छलावा करते रहेंगे, उनके भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। एनटीए के द्वारा जो नीट यूजी की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर के द्वारा आंदोलन हुआ है। हम देखते हैं पिछले कई वर्षों के इतिहास को, जहाँ की नीट के एग्जाम में 2 से 3 बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 720 नंबर मिलते हैं, वहीं इस वर्ष 67 बच्चों को 720 अंक मिलना और वहीं एक स्थान के 8 से 10 बच्चों को 720 अंक मिलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ये एनटीए पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। क्या डिमांड है? हमारी केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि इस पूरे प्रकरण की एक सीबीआई जांच हो। विद्यार्थी परिषद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।